दुगुना ना क्रिकेट में खुदाई। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए ये एक्सरसाइज क्यों सॉल्व की डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑन डिमांड एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही है, स्टूडेंट्स द्वारा बोला गया है कि ये एक्सरसाइज समझा लीजिए। ऐसे ही आपको अगर कोई 8th क्लास तक मैथ्स में या इंग्लिश ग्रामर में कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हैं या आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आपके लिए सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए उससे पहले देखते हैं थॉट। लर्न फ्रॉम यस्टरडे मींस कल जो बीत गया है उससे आप सीखिए, लिव फॉर टुडे आज अभी क्या चल रहा है, आज का समय क्या है उसमें आप जिए, एंड होप फॉर टुमारो और टुमारो मींस कल के लिए आप उम्मीद रखें कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, कल क्या बीत गया, कल क्या हुआ, क्या गलती हुई आपसे या कुछ अच्छा भी हुआ तो वो कैसे हुआ उसे आप सीखिए। लिव फॉर टुडे आज का समय, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बट आज के समय में रहना है, एग्जाम होना है, एग्जाम आपको देना है और आज के समय में जिए, कल का ना सोचे, कल से सीखें, आज में जिए, एंड होप फॉर टुमारो कल के लिए बेहतर उम्मीद रखें। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। रुपीज 5, 2, 50 पैसे। सबसे पहले हम एक ही यूनिट में इनको चेंज कर लेंगे, ये रुपीज में और ये पैसे में। तो देखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 × 100 पैसे विच इज इक्वल टू 500 पैसे। क्लियर? अब ये पैसे में कन्वर्ट हो गया रुपीज। अब हम चेंज करेंगे और ये लिखेंगे यहां, सॉरी, अब 500 पैसे के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। 500 पैसे to 50 पैसे। क्लियर? चलिए 500 लिख दिया, ये 2 जो लिखा है उससे अपन अपॉन 50 रेशियो जब आता है तो आप ये समझिए जहां 2 लिखा है तो 2 के पहले वाली जो वैल्यू है वो ऊपर रहती न्यूमरेटर में और 2 के बाद वाली वैल्यू है वो नीचे रहेगी डिनोमिनेटर में। 0 से 0 कैसे, 5 × 1 = 5, 10। क्लियर? तो अपना आंसर क्या आ गया, 10/1। ये रेशियो बनेंगे, इसे रेशियो में लिखेंगे तो ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू 10 अपॉन की वैल्यू बन जाएगी रेशियो 1। क्लियर? बी में 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। चलिए आपसे बोला गया पहले इनकी यूनिट सेम कर लीजिए, ये किलोग्राम है, हमें मालूम है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर? तो 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 15 × 1000 ग्राम विच इक्वल टू 15000 ग्राम। क्लियर? 15000 ग्राम आ गया आपका, ये चीज आपकी ऑलरेडी ग्राम में है। अब इसे कैसे लिखेंगे, 15000 × 210।
फिफ्टीन किलोग्राम पहले लिखा है 15,000 अपॉन 210। अब इसे कैंसिल कर देंगे, नीचे एक जीरो है, ऊपर एक जीरो से कैंसिल किया। अब नीचे जीरो नहीं है तो ऊपर अगर एक्स्ट्रा जीरो है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए बिजिलिटी का आपने आपको डिजिलिटी बताई गई थी 2 से लेकर 10 तक, तो हम देखेंगे 2 + 1 = 3 और 5 + 1 = 6। तो 2 + 1 = 3 की थ्री की टेबल में डिविजिबल है और 5 + 1 = 6 भी थ्री की टेबल में डिविजिबल है, और जीरो है तो 7 में ऐड कर देंगे तो थ्री की टेबल में ये 3 7 = 21 और 3 5 = 15 और 2 0 ये लगाई, क्या है आपका 500 upon 7। इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 500 ratio 7। क्लियर, सी देखते हैं। 9 meter 227 centimeter 9 meter 227 centimeter। चलिए 1 meter = 100 centimeter तो 9 meter = 9 × 100 centimeter which is = 900 centimeter। क्लियर, अब इसे कैसे लिख सकते हैं 900 × 27 क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हो गया है और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। 900 × 27 900 upon 27 यहां से हमें देख के समझ में आ रहा है कि इसमें 9 की डिजिबिलिटी लग सकती है, 7 + 2 9 9 की टेबल में डिविजिबल है और ये 9 की टेबल में डिविजिबल होगा। 9 3 = 27 और 9 × 9 और ये 100। क्या आ गया आपका 100 upon 3 100 upon 3। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 100 ratio 3 ये आ गया आपका आंसर नंबर 3। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, डी 30 days to 36 hours 30 days to 36 hours यहां हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 day = 24 hours आप सभी को मालूम है, 30 days = 24 × 30 hours 24 × 30 का देंगे ये जीरो है, आपके लिए बता दें ये 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 12 carry over 1 3 2 6 + 1 7 और पीछे जीरो लगा हुआ है तो आपने आप जीरो ऐड कर दे, ये जाएगा डायरेक्ट। शॉर्ट मेथड है ये, जितने भी जीरो होते हैं मल्टीप्लाई करने में स्पेशली वो आप ऐड कर सकते हैं बाद में, मल्टीप्लाई में यूज करेंगे आपकी लॉन्ग मेथड होगी, आपका टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम में। इसका आ जाएगा 720 hours। क्लियर, चलिए अब कैसे लिखेंगे, 720 hours to 36 hours which is equal to 720 upon 36। अभी 6 की टेबल में 36 आएगा 6 टाइम, ये आएगा 12 टाइम और जीरो है, जीरो ऐड कर लें, 6 1 = 6 and 6 2 = 12 and 0 = 0। क्लियर, तो 20 ratio 1 इज द आंसर। आप ये देख सकते हैं समझ सकते हैं, पहले ये ध्यान रखिए कि कभी भी रेशियो फाइंड करें तो यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम नहीं है तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, चाहे वो किलोग्राम हो चाहे रुपीज हो चाहे मीटर हो चाहे डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
in a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. इसका मतलब क्या है? एक कंप्यूटर लैब में हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं. How many computers will be needed for 24 students? तो कितने कंप्यूटर 24 स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होंगे? सॉल्यूशन देखते हैं. For six students, number of computers needed is equal to 3. For 6 students, number of computers needed is equal to 3. Therefore, for 1 student, number of computers needed is equal to, यहां बोला गया है 6 students के लिए 3 computers की जरूरत पड़ती है, तो 1 student के लिए पड़ेगी 3/6. ये number of computers है, ये number of students है. unitary method होती है. जब हमने कहा, for example, 5 पेन आते हैं 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का आएगा पहले ये पता करेंगे, फिर जाके हम ये पता कर सकते हैं कि 10 कितने के आएंगे या 7 कितने के आएंगे. क्लियर? फॉर 6 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड इक्वल टू 3, तो 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड इक्वल टू 3/6. और इसे लोवेस्ट टर्म में कर लें, 3 × 3 = 6, और ये रहेगा 1/2. क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स. फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड इज इक्वल टू 1/2 × 24. 1/2 × 24, 1 × 24 से होगा 24/2. मैथ में आप हर चीज स्टेप बाय कीजिए, एक एक स्टेप कीजिए, जितना क्लियर कर देंगे उतना आसानी से टीचर को समझ में आएगा, जितना आसानी से समझ में आएगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. चलिए, 2 की टेबल में 12 को 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया 12. 12 computers will be needed for 24 students. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3. पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 lakhs. क्लियर? सबसे पहले आप ये पता कर ले पॉपुलेशन कितनी है राजस्थान की और यूपी की. एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 lakh km² ये एरिया की बात हो रही है एंड एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू 2 lakh km². ये अपन को गिवन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. बच्चे क्या सोचते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा? कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आपको बस क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले वो नोट कर लें. अगर आपने ये नोट कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान. क्लियर? पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान सबसे पहले दिया है, कितना दिया है 570 lakhs. 570 lakhs. फर्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर. पर मींस एक की बात होती है, जब पर बोला मींस एक किलोमीटर पर स्क्वायर की बात पूछ रहे हैं. जैसे किलोमीटर पर आर, स्पीड बोली 80 किलोमीटर पर आर, मींस 80 किलोमीटर वो एक घंटे में कवर करता है कोई भी व्हीकल. हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर
इन बोथ दीज स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स का हमें ये निकालना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन होगी। सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 470 लाख लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे अब हमें पर किलोमीटर स्क्वायर निकालना है तो एरिया भी लिखना होगा, एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू कितना 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब इन्हें क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर बोलेंगे पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का दिया है 570 लाख पॉपुलेशन, तो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर का निकालेंगे तो कैसे करेंगे 570 upon 3। क्लियर, यूनिट सेम है, लाख है, ये भी लाख है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3 1 3 बचेगा 2 2 7 27 3 9 27 एंड 0 3 0 0 तो कितना आ गया आपका 190 लाख। ये हो गई आपकी राजस्थान की पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ यूपी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी की बात करेंगे कितनी दी है 1660 लाख। एरिया कितना है यूपी का, एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू कितना दिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगेगा, आपको पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर निकालना है, पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1660 डिवाइडेड बाय 2, 2 से राइट कट करेंगे 2 8 16 बचेगा 6, 2 3 6 बचा 0 तो 2 0 0 तो इसका कितना आ गया 830 लाख। क्लियर, ये हो गया आपका पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर किसकी, राजस्थान की 190 लाख, और पॉपुलेशन ऑफ यूपी पर किलोमीटर स्क्वायर किसकी, यूपी की 830 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, यहां डालेंगे सेकंड, ये है आपका फर्स्ट, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, आपको देख के समझ में आ रहा है लेस मींस कम, कहां की पॉपुलेशन कम है, ये 830 लाख है पर किलोमीटर स्क्वायर, ये पर किलोमीटर निकालिए मींस इक्वल रेशियो में आ गए हैं, राजस्थान की 190 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, विच तो बोलेंगे राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। क्लियर, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पहले आप ये लिख लीजिए क्या क्या बनने, उससे आपको बहुत इजी लगेगा, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है बट प्रॉब्लम में वो भी आपको बता देंगे कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैथ्स के वीडियो में, जो भी वीडियो होगा मैथ्स का जब भी आएगा उसमें आपको बॉडमास रूल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, उसमें BODMAS इन सभी का यूज कैसे किया जाता है, बहुत से जनों को इसमें कंफ्यूजन है, वो चीज आपकी क्लियर करेंगे, लेवल वाइज चलेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे,
सिंपल से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट पे जाएंगे, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिए, ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपका इंग्लिश के वीडियोस आएंगे वो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।